नमस्कार दोस्तों, टी स्टेलर पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अस्तर वाले फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज का कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज का कटिंग। सबसे पहले कपड़े को ऐसे डबल करके फोल्ड कर लेना है दोस्तों। उसके बाद नीचे तरफ ये सीधा करके लाइन कर लेना है इसको। हमारा लंबाई है दोस्तों 13.5 इंच, इसमें हम 1.25 इंच प्लस करके 14 इंच पे मार्क कर लेंगे। लंबाई के लिए 14 इंच पे मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा है 4.5 इंच, 4.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पर भी 4.5 पे एक मार्क कर लेंगे। गले के लिए यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क करेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों। आर्म होल के लिए ऊपर से नीचे की ओर 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसको भी सीधा कर लेंगे। हमारा फ्रंट पार्ट का गला है दोस्तों 6.5 इंच, तो इस तरह से हम 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। हम यहाँ पर गला 2.25 इंच पे लगाया मार्क किए थे गले के लिए, तो यहाँ पर हम लोग 2.5 इंच पे करेंगे और इसको सीधा कर लेना है। चेस्ट के लिए हम लोग यहाँ पर 9.25 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा चेस्ट 37 इंच है दोस्तों, और यहाँ पर 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। यहाँ पर भी सेम मार्क कर लेना है 9.25 इंच प्लस एक्स्ट्रा 2.25 इंच। अब इसको सीधा कर लेना है दोस्तों। इस तरह से सीधा कर लेंगे दोनों मार्कों को और यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। इस तरह से राउंड शेप देना है दोस्तों। यहाँ पर लगभग 2 सूत डाउन कर लेना है गले की तरफ और उसको भी सीधा कर लेना है। अब यहाँ पर बेल्ट के लिए हम लोग 11.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा लंबाई 13.5 इंच है। यहाँ पर भी 11.25 पे मार्क कर लेंगे। अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर 0.25 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क कर लेंगे। यहाँ पर 2.75 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे टक्स के लिए और यहाँ ऊपर की तरफ 2 इंच। अब इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों टक्स के लिए जो मार्क किए हैं उसको। यहाँ पर लगभग 1 इंच ऊपर टक्स के लिए एक और मार्क करेंगे। यहाँ पर भी एक और मार्क करेंगे टक्स के लिए और आर्म होल की तरफ भी एक और मार्क करेंगे। ये हमारा 4 टक्स हो गया दोस्तों। और यहाँ गले की तरफ राउंड शेप दे देना है हमको। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दे, ताकि मेरे आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस तरह से कट कर लेना है दोस्तों। बेल्ट को अलग कर लेना है इस तरह से और यहाँ पर एक कट लगा लेना है जहाँ पर हम टक्स के लिए मार्क किए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरह से कैंची की सहायता से हम थोड़ा थोड़ा ऐसा करके यहाँ पर पीछे की तरफ एक उभार लाएंगे, ताकि हम पीछे की तरफ भी लाइन अच्छे से खींच सके। ये देखिए दोस्तों इस तरह से, ये देखिए हमारा पीछे तरफ भी 4 टक्स हो गया। देखिए दोनों तरफ हमारा मार्क लग गया है टक्स का। इस तरह से देखिए बेल्ट हो गया और ये हमारा ऊपर फ्रंट पार्ट हो गया। अब दोस्तों हम बैक पार्ट का कटिंग करेंगे। इस तरह से पहले सीधी लाइन खींच लेना है। बैक पार्ट का लंबाई है दोस्तों 13.5 इंच, उसमें 1/2 इंच एड करके 13.5 इंच और 1 सूत मार्क कर लेना है इस तरह से, और यहाँ पर सीधा कर लेना है दोस्तों।
अब यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे, शोल्डर हमने लिया था 4.5 इंच, यहाँ पर 4.5 पे मार्क करेंगे। और हम यहाँ पर गले को लिए थे 2.25 इंच, तो 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से 2.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। और बैक पार्ट पे 2 सूत गले की तरफ डाउन करेंगे, इस तरह से डाउन कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट का गला है दोस्तों 2.75 इंच, हम यहाँ पर 1/2 इंच ऐड करते हुए 2.75 इंच पे नीचे से ऊपर मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से 1/2 इंच कम करते हुए मार्क करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 9.25 पे मार्क करना है, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट को 9.25 पे मार्क किया था। और यहाँ पर 2.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्क करेंगे, क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट पे भी 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्क किया था। और यहाँ पर सीधा कर लेंगे दोस्तों। इसको भी सीधा कर लेना है, यहाँ से भी सीधा कर लेना है दोस्तों, इस तरह से। और यहाँ पर राउंड शेप दे देना है दोस्तों। अच्छे से राउंड शेप देना है दोस्तों, इसमें आप डिजाइन भी बना सकते हो। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट को रखते हुए यहाँ पर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है फ्रंट पार्ट को। इसके हिसाब से है ही हम बैक पार्ट का आर्म होल कटिंग करेंगे, देखिए इस तरह से। चलिए दोस्तों अब इसका कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट का। यहाँ पर गले का कटिंग कर लेंगे दोस्तों राउंड करते हुए। यहाँ पर आप जो भी डिजाइन बना सकते हो पीछे बैक पार्ट में, वहाँ बना सकते हो दोस्तों। ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा बैक पार्ट का गला कटा हुआ है। अब इसके बाद दोस्तों हम आस्तीन का कटिंग करेंगे। सबसे पहले डबल फोल्ड कर लेना है इस तरह से दोस्तों, और इसको इस तरह से रखकर फिर एक बार फोल्ड कर लेना है। अच्छे से सेट कर लेना है दोस्तों। आस्तीन का लंबाई है 4.25 इंच दोस्तों, तो इसमें 4.25 इंच ऐड करके 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। इस तरह से 4.5 इंच पे, यहाँ पर भी एक 4.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इसको सीधा कर लेना है। हमारा आस्तीन का गोलाई है 6.5 इंच दोस्तों, तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे 6.5 इंच पे। और ऊपर से नीचे की तरफ 2.25 इंच डाउन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2.25 इंच पे मार्क कर लेना है इस तरह से। और लगभग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा और लेना है जो हम लिए हैं यहाँ पर। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं दोस्तों, आस्तीन की राउंड करते हुए कटिंग करना है। यहाँ पर एक साइड हमको खांचा करना है दोस्तों इस तरह से, ताकि हमको फ्रंट और बैक पार्ट का पता चल सके। अब इसके बाद दोस्तों हम साड़ी के कपड़े पर अस्तर को जो कटिंग किए हैं उसको रख कर ऐसे कटिंग कर लेना है दोस्तों। सबसे पहले इसको डबल करके रख लेना है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट को ऐसे सेट करके रख लेना है दोस्तों। ये देखिए हम बेल्ट को भी रख रहे हैं और फ्रंट पार्ट को भी। इस तरह से सेट कर लेना है दोस्तों, अच्छे से डबल फोल्ड करके ही इस तरह से सेट करना है। अब इसको एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कट करना है दोस्तों, एकदम से बराबर कट नहीं करना है, एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कट करना है। इस तरह से कट कर लेंगे, यहाँ भी कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट और बेल्ट के लिए कटिंग हो गया दोस्तों। अब इसके बाद हम बैक पार्ट को यहाँ पर रखकर अच्छे से कटिंग कर लेंगे मार्जिन देते हुए इस तरह से।
ये देखिए इस तरह से मार्जिन देते हुए कट करना है दोस्तों, फिक्स कट नहीं करना है। जब हम सिलाई करेंगे तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रहना चाहिए। अब इसके बाद हम आस्तीन का कटिंग करेंगे। आस्तीन को ऊपर में रख लेना है इस तरह से, और इसको भी एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए कट कर लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से ये हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो गया दोस्तों, अस्तर वाला फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज।